Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum dear students my name is Aisha Saleem I hope you all are fine and doing well Today we are going to discuss lecture number 7 of our chapter 7 that is about separation of components of mixture and in this lesson we will cover the SLO in which we demonstrate the uses of different techniques such as filtration decantation evaporation crystallization

तो इसी तरह जैसे हमने अपनी सेपरेशन के लिए एक टेक्निक को इस्तेमाल किया एग्जैक्टली द सेम वे इन द साइंस वी यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन और आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी उन्हीं टेक्निक्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करते हैं सो so, हमारे पास जो अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताइए कि कैन यू नेम डिफरेंट मैथड्स ऑफ सेपरेशन दैट यू नो इट कोई भी मैथड जो आपके जहन में हो जिसके जिसकी मदद से हम सोल्यूशन के कॉम्पोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकें से वेरी गुड तो हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट किया जा सके एंड वट आर द मैथड्स दैट आर यूज टू सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर वट आर दो टेक्निक्स तो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उनमें आएगा फिल्ट्रेशन डी अवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन Sublimation and chromatography, but in this lecture, our main focus is on. फिल्ट्रेशन सो डियर स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन हमारे पास वो टेक्निक है जिसके फर्स्ट टेक्निक है जिसके जरिए से हम अपने हाइड्रोजीनस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग द टेक्निक अपनी टेक्निक को समझने से पहले हम देखेंगे कि किस तरह के मिक्सचर्स को किस टाइप के मिक्सचर्स को हम इस टेक्निक के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं तो हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स जिसके अंदर इन सोलबल सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हों जिसमें से हमने फॉर एग्जांपल uh, हमारे पास एक मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का सैंड और वॉटर भी हो सकता है कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है जिसमें लिक्विड के अंदर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स मौजूद है तो इस सोल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन सो हमारे पास जो मिक्सचर है वाटर और सेंट का हम इसको सेपरेट करेंगे फनल के अंदर एक पेपर लगा के दैट पेपर इज नोन एज फिल्टर पेपर और यहां से हमारे पास प्योर लिक्विड जो है वो फिल्टर फिल्टर होकर नीचे एज अ फिल्ट्रेट हमें हासिल हो जाएगा जबकि बची को चीज जो दे है वो एज अ रेजिड्यू हमारे पास फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाएगी अब हमारे पास आ, आ, सेंट पार्टिकल्स क्यों फिल्टर पेपर से पास नहीं होते सो so, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फिल्टर पेपर कंटेन होल्स दैट आर सो स्मॉल टू बी सीन एंड एंड इट इट जस्ट जस्ट एक्ट्स लाइक अ सी हमारे पास फिल्टर पेपर के अंदर ऐसे टाइनी होल्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर के, के मॉलिक्यूल्स की को अपने अंदर से गुजरने की परमिशन देते हैं बट सेंट पार्टिकल्स अपने साइज में बड़े होने की वजह से इनके अंदर से पास नहीं कर पाते और एज अ रेजिड वो कलेक्ट हो जाएंगे फिल्टर पेपर में हयर इज द पिक्चर Of filter paper that we use for to carry out the process of filtration. सो हम अब अब इसी प्रोसेस को हम यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं हम इसको यूटिलाइज करते हैं होम्स में या ऑफिस में वीर वाटर इज प्यूरिफाइड इन द फिल्ट्रेशन यूनिट्स टू फिल्टर द वाटर टू सेपरेट द डस्ट पार्टिकल्स और एनी अदर इम्प्योरिटी फ्रॉम द वाटर एंड इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं एयर फिल्टर्स के तौर पर इन कार्स इन व्हीकल्स टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स एंड टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स फ्राम गेटिंग इन टू द एंशन फर्दर हम इसको इस्तेमाल करते हैं

फिल्टर पेपर को हम इस्तेमाल करेंगे इस टेक्निक को कंप्लीट uh, करने के लिए जिसमें हमारे पास इन सोलबल पार्टिकल्स एज ए रेजिटिव कलेक्ट हो जाएंगे फिल्टर पेपर में जबकि हमारे पास जो लिक्विड सॉल्वेंट uh, है वो कलेक्ट हो जाएगा नीचे बीकर में दैट इज अ फिल्ट्रेट और हमारे पास जो फिल्टर पेपर के अंदर कलेक्ट होगा दैट इज़ नॉन एज रेजिड फर्दर हम अपने uh, हमने जो एप्लीकेशंस पढ़ी वो थी फिल्टर यूनिट्स एयर फिल्टर्स एंड वैक्यूम क्लीनर्स ये वो तमाम एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरियस परपजेज नेक्स्ट हम अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सोपोज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट वेरी गुड मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को सॉल्व कर लिया होगा इनशाला इन द नेक्स्ट लेसन हम अपने लेक्चर को यहीं से प्रोसीड करेंगे और अपनी सेकंड टेक्निक को डिस्कस करेंगे दैट इज डी मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा सो uh, so, हम अपने अगले लेक्चर को यहीं से प्रोसीड करेंगे फर्दर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज